ऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 16 एक्सरसाइज शुरू है। कुछ थ्योरी भी बीच बीच में बतलाना पड़ रहा है। अब इसमें भी एक छोटा सा थ्योरी है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, तो इसमें कितना बिंदु नजर आ रहा है। एक पोस्ट के भीतर दो नियामक, किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं। इसका मतलब ये पहला बिंदु, पहले बिंदु का एक्स नियामक वाई नियामक, ये दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु का एक्स नियामक वाई नियामक, इसी तरह ये तीसरा बिंदु। तो तीन बिंदु दिया हुआ है, तो तीन त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज खींचोगे तो शीर्ष कहते हैं किसको, जहाँ कोण का निर्माण होता है। दो रेखाओं के किसी भी त्रिभुज में दो रेखाओं के मिलन बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं, है ना। इसी बात पहले भी बतलाए हैं। मान लो ये ए बी सी त्रिभुज है, तो इसमें बिंदु ए का निर्माण कब होता है, जब बी ए रेखा सी ए रेखा एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहा है। तो पहला शीर्ष ए को हो, दूसरा बी, तीसरा सी, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष, जहाँ कोण बनता है जिस बिंदु पर त्रिभुज में या चतुर्भुज में, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो दिया हुआ है किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे, है ना। पहले तो बिंदु का नाम रखेंगे, माना कि बिंदु P ये बिंदु Q एवं बिंदु R है। तो माना कि बिंदु P पहला को, इस बिंदु को मान लेंगे बिंदु P, तो बिंदु P जिसका X नियामक 5 Y नियामक -2, तो पोस्ट में पहले X नियामक 5 -2, यानी बिंदु P है जिसका X नियामक ये और Y नियामक ये। तो माना कि बिंदु P Q, दूसरा को Q माने 6 4 एवं PQ R 7 -2 तीन बिंदु है पी क्यू आर। तो तीन बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होता है। तीन बिंदु मीन्स तीन शीर्ष से होता है ना, कब, जब असंरेखी हो। पिछले पार्ट में बतलाए तो दिया हुआ है कोई तीन बिंदु है, तो कहता है क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लो बोर्ड पर हम पी क्यू आर, ये बिंदु पी क्यू और ये बिंदु आर है। तो पी का एक्स नियामक 5 -2, वाई नियामक इसका हो गया 6 4 और ये हो गया 7 -2। तो प्रश्न में कह रहा है कोई तीन बिंदु है, तो ये तीनों बिंदु असंरेख है, तो क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका अर्थ हुआ अगर तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो त्रिभुज का निर्माण होगा, ये तीनों बिंदु P Q R एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका अर्थ हुआ ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कब होगा, जब त्रिभुज P Q R की कोई दो भुजा बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में तो दो भुजा बराबर होता है ना, या तो P Q बराबर P R हो, या P Q बराबर Q R हो, या Q R बराबर P R हो, दो भुजा बराबर हो तब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ऐसी हालत में बिंदु P
बिंदु Q एवं बिंदु R इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तीनों शीर्ष। प्रश्न समझा? बोलो, तू लोग समझी? त्रिभुज के तीन शीर्ष, किसी भी त्रिभुज में तीन ही बिंदु होंगे, तो तीनों शीर्ष बिंदु जो है इसको मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा? इसका मतलब तीनों भुजा निकालो ना, कौन दो भुजा बराबर होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में तो दो भुजा बराबर होना चाहिए। अगर कोई दो भुजा बराबर हो गया तो इसका मतलब बिंदु P, Q एवं R समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होंगे। तो प्रश्न समझे? तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे पी क्यू, पी क्यू पी से क्यू तक तो दूरी फार्मूला y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बिंदु P, तो बिंदु P ये है, तो पहले बिंदु का x नियामक x1, ये हो गया x1, ये हो गया x2, इसके बाद q और सॉरी y x1 y1, दूसरा बिंदु q तो ये है, इसका हो जाएगा दूसरे x2 बिंदु का x2 y2, x2 x नियामक y2 y नियामक, x2 x नियामक का मान 6, y नियामक y2 का मान 4। तो ये सब तो समझ गया है, अब फार्मूला में सेटिंग करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट में मात्र फार्मूला पर बैठाते जाओ, हल्का चैप्टर है ये। वैसे भी मैथ का थ्योरी समझ लो तो कोई भी चैप्टर हल्का ही होता है। तो x1 बराबर 5 माइनस x2, x2 बराबर 6, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर जोर y1, y1 माइनस 2, फिर माइनस y2, y2 4, इसका होल स्क्वायर। 5 में से 6 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4, याद है ना, समान चिन्ह वाले जुट जाएंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 गुने माइनस 1, माइनस माइनस प्लस एक होगा, ये हो जाएगा प्लस, माइनस 6 को दो बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 × 36 होगा ना, तो 36 बराबर √37। एक भुजा तो निकल गया √37। PQ निकला, अब QR निकालेंगे। चलो देखो, यहाँ पर हम सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अगर लिखना पड़े देख लो एक चीज ध्यान से, तो यहाँ पर X1 क्या होगा, यहाँ x1 बराबर बोलो तो पहला बिंदु q है, तो q का x नियामक x1 तो 6 होगा, x1 6, x2 7, x2 qr ले रहे हैं, qr तो x1 x2, y1 y2, x2 हो गया 7, y1 y1 4, y2 माइनस 2 होगा, 4 y2 माइनस 2, इससे होगा क्या, मान बैठाने में सुविधा होगी, इसीलिए qr बराबर वैल्यू रख देना है, x1 6 माइनस x2, x2 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1, y1 4 माइनस
y2 माइनस दो तो माइनस दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, समझ जाओगे ना, चार प्लस दो का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस चार दो छ का होल स्क्वायर, ये माइनस वन का होल स्क्वायर एक और छ का होल स्क्वायर 36 बराबर रूट 37 हुआ, क्यू आर हो गया रूट 37, समझा, तो ये क्यू आर भी हो गया रूट 37, तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर रूट 37 है, अर्थात यह त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं और इस त्रिभुज में पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया, अर्थात बिंदु पी क्यू एवं आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बोलो समझा इसको, तो ये लिख देते हैं फाइनल इसका, तो उतारो अगला प्रॉब्लम, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, तो चतुर्भुज बनने के लिए कितने बिंदु चाहिए, किस तरह का बिंदु चाहिए, कोलिनियर कि नन कोलिनियर, एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदु नहीं होना चाहिए, पंचभुज बनने के लिए जैसे एक सरल रेखा बनने के लिए हमें कम से ये दो बिंदु चाहिए, एक त्रिभुज का निर्माण ट्रायंगल का निर्माण कब होगा, जब तीन असंरेख बिंदु होगा, एक चतुर्भुज का निर्माण चतुर्भुज है तो चार बिंदु होगा असंरेख, पंचभुज के लिए पांच बिंदु, अष्टभुज के लिए छह बिंदु होगा ना, तो इसमें चार बिंदु दिया हुआ है, तीन ठो प्रॉब्लम है, पहला बिंदु दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या ये चारों बिंदु से जो चतुर्भुज बनेगा कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज होगा, यही कहता है बतलाने के लिए, चतुर्भुज के ही ना अंग है जी, वर्ग स्क्वायर आयत रेक्टेंगल समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज ये सब तो मतलब चतुर्भुज का ही अंग है, तो पहला प्रॉब्लम मान लो कोई चार बिंदु दिया हुआ है तो पहले इससे जो चतुर्भुज बनेगा एक दो तीन चार, पहला बिंदु पी मान लो क्यू आर एस, ये चार बिंदु, पहले बिंदु का नियामक माइनस वन माइनस टू, दूसरा वन जीरो, तीसरा माइनस वन टू, चौथा हो गया माइनस तीन जीरो, यानी चार बिंदु दिया हुआ है, तो
जितना तो तय है जो इसे चतुर्भुज बनेगा। प्रश्न में पूछ रहा है किस टाइप का चतुर्भुज बनेगा, कोई विशेष चतुर्भुज बने तो कारण दीजिए इसके लिए। विशेष का मतलब हुआ हो सकता है चारों बिंदु मिलकर के वर्ग बनावे, ऐसा भी हो सकता है चारों बिंदु मिलकर के आयत रेक्टेंगल का निर्माण करे, ऐसा भी हो सकता है चारों बिंदु मिलकर के समानांतर चतुर्भुज बनावे अष्टभुज तो बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है जो ऐसा चतुर्भुज बने जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो। तो क्या बनेगा नहीं बनेगा, पहले तो हम लोग चतुर्भुज का निर्माण करें, तो पी को क्यू से मिला देंगे, एक सब बिंदु को मिलाओ, एक पी को आर से, आर को एस से, लोग चित्र नहीं बनाना अभी कारण है, मान लो आयत बन गया तो ठीक से बनाना होगा, और एस को क्यू से मिला दो, अभी तो अज्ञात है ना किस टाइप का बन रहा है। तो हम लोग दूरी सूत्र से चारों भुजा निकाल लेंगे, समझा, सबसे पहला काम। तो पी क्यू बराबर फॉर्मूला भुलाने वाला नहीं है, दूरी सूत्र y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो P तो बिंदु P, तो ऐसे याद रखो बिंदु P का x नियामक माइनस वन x1 y1, q का हो जाएगा x2 y2, तो एक्स वन पी के लिए, पी के लिए एक्स वन ये हुआ माइनस वन, माइनस वन फिर माइनस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू एक हो गया, यह सबसे अच्छा लिख ही दो तो याद रहेगी बात। यहाँ एक्स वन बराबर पी के लिए पहला बिंदु है तो वन का प्रयोग, दूसरा बिंदु के लिए टू का प्रयोग, पी के लिए एक्स वन का मान माइनस वन, वाई वन का मान माइनस टू, फिर एक्स टू का मान एक्स टू वाई टू, वन वाई टू का मान शून्य। अब मान बैठाने में इससे आराम होगा, मिस नहीं होगा, और पी क्यू बराबर एक्स वन हो गया माइनस वन माइनस एक्स टू, एक्स टू हो गया एक, वाई वन, वाई वन हो गया माइनस दो माइनस वाई टू जीरो का होल स्क्वायर, माइनस एक माइनस टू होगा माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस दो में से शून्य किया तो माइनस दो का होल स्क्वायर, और पी क्यू बराबर माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू गुने माइनस टू तो माइनस टू गुने माइनस टू बराबर प्लस चार होगा, प्लस चार यानी चार जोड़, फिर माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू गुने माइनस टू यानी चार, कितना हो गया रूट एट, इसको तोड़ेंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ बराबर टू रूट टू, तो पी क्यू कितना निकल गया टू रूट टू। अब पी आर निकालो या क्यू एस निकालो जो निकालो, लेकिन निकालना तो चारों है तो एक क्रम से ही निकालो, पी क्यू निकाले या क्यू एस निकालो, फिर वही दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर जोर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर,
जहां एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू कैसे निकालेंगे। तो पहले देखो बिंदु क्यू है, क्यू का एक्स वन एक्स नियामक, क्यू का एक्स वन एक है और वाई वन शून्य है। एक्स वन एक वाई वन शून्य क्यू का हो गया। अब एक्स का निकालो, एक्स नियामक वाई नियामक, एक्स का एक्स टू माइनस तीन, एक्स नियामक एक्स टू है, वाई नियामक शून्य। समझा, समझ रही है। और एक्स बराबर वैल्यू दे देना है, साधारण सा कैलकुलेशन है, एक्स वन एक माइनस एक्स टू माइनस तीन। होल स्क्वायर जोर वाई वन, वाई वन शून्य माइनस वाई टू, वाई टू भी शून्य, शून्य माइनस शून्य का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक माइनस माइनस प्लस तीन का होल स्क्वायर, और शून्य में से शून्य गया, शून्य का होल स्क्वायर शून्य। तो जोर शून्य नहीं भी दो तो कोई बात नहीं, ये कितना हो गया तीन एक चार का होल स्क्वायर, चार चौका सोलह का वर्गमूल चार होगा जी। तो क्यूएस का मान आया सिर्फ चार। देखो भुजा नहीं मिला, इसका मतलब ये वर्ग नहीं होने जा रहा है, इतना क्लियर है। इसके बाद आ जाओ एस आर, समझ रहे हो बात को, इतना को उतार लो तो तुलो। पी क्यू क्यू एस निकल चुका है, अब हम लोग एस आर निकालेंगे। देखो अगर एस आर निकालते हैं इस पर ध्यान दो, हम क्या बतलाना चाहते हैं, एस आर को आर एस भी कह सकते हैं। अंतर कहां पर आ जाएगा, अगर मान लो हम एस आर निकालते हैं तो लिखेंगे फॉर्मूला तो वही लिखाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर जोर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर लिखाएगा जी। बोलो एक्स वन यहाँ, एक्स वन बराबर, इसके बाद आ जाओ एक्स टू बराबर वाई वन वाई टू। पहला बिंदु S है, वन वाला हो गया X1, S का X नियामक, यानी S का X नियामक X1 ये है माइनस तीन। ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या अंतर पड़ता है। फिर बिंदु S का Y नियामक Y2, Y2 का मान शून्य, Y2 का मान शून्य। अब बिंदु R का X नियामक माइनस वन, तो दूसरा बिंदु है ये, पहला दूसरा, तो दूसरा बिंदु का X नियामक X2, Y नियामक Y2, तो X नियामक X2 का मान माइनस वन, X2 का मान माइनस वन और Y2 का मान R का Y नियामक दो। ये हो गया दो एक्स वन माइनस तीन, एक्स वन वाई वन, वाई वन शून्य, यहाँ मिस्टेक हो गया था, एक्स टू, एक्स टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस वन वाई टू दो, कितना होगा। मान लो अगर हम आर एस लिखते एस आर के बदला आर एस लिखते, तो ऐसी स्थिति में आर का एक्स नियामक एक्स वन, पहला बिंदु जो होगा ना उसके एक्स नियामक को एक्स वन कहेंगे, तब यहाँ एक्स वन का मान आर का एक्स वन माइनस एक्स टू, ये एस हो गया दूसरा बिंदु, यानी ये एक्स वन वाई वन,
ये एक्स टू वाई टू, अगर हम आर एस लिखे, आर एस लिखे या एस आर, दोनों तो आर से एस तक की ही दूरी है, तब अंतर क्या होता। आर एस में आर के लिए एक्स वन का मान माइनस वन होता, एक्स वन का मान यहाँ माइनस वन होता, वाई वन का मान होता दो, वाई वन का मान यहाँ दो होता, समझ रहे बात को, कैलकुलेशन करके उतना ही रिजल्ट आता, समझ गया अंतर। कैसे मानेंगे तो ये बिंदु, पहला बिंदु के लिए एक्स वन वाई वन, दूसरे बिंदु के लिए एक्स टू वाई टू, इसको हम लोग इधर से एस आर माने है ना, जो भी बतला है इसको ध्यान में रखना है। फार्मूला से एक्स वन यानी माइनस तीन माइनस एक्स टू, माइनस एक्स टू का मान माइनस वन, दो तीन आया कोष्ट दो, एक्स वन माइनस एक्स टू यानी बड़ी कोष्ट दे दो या मध्यम कोष्ट का होल स्क्वायर जोड़ वाई वन शून्य माइनस वाई टू, वाई टू है दो का होल स्क्वायर, एसआर बराबर हो गया अब माइनस तीन माइनस माइनस प्लस यानी प्लस एक, कोष्ट के भीतर काम किए तो कोष्ट में घेरेंगे इसका होल स्क्वायर, समझ रही है। फिर प्लस शून्य में से दो घटाएंगे तो माइनस दो, तो कोष्ट में माइनस दो का होल स्क्वायर, माइनस तीन प्लस एक माइनस दो होगा। अगर इस सब में कंफ्यूजन है तो बेस ऑफ अलजेब्रा एक बार फिर पढ़, माइनस दो का होल स्क्वायर का मतलब माइनस दो गुने माइनस दो, माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस दो गुने माइनस दो, तो माइनस दो को दो बार गुना करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और दो दूनी चार होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और दो दूनी चार यानी प्लस चार, प्लस 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 हो जाएगा, इसको समझी बोलो तो, चार चार आठ, इसको फिर तोड़ेंगे तो कितना होगा, दो दूनी चार दूनी आठ बराबर टू रूट टू, एस आर हो गया टू रूट टू होगा। इसके बाद अब आर पी, ये लो अब अंतिम भुजा आर पी, चलो मान बोलो तो एक्स वन वाई वन का एक्स टू वाई टू का, एक्स वन माइनस वन पहला बिंदु देख लो कौन सा है, पहला बिंदु आर है तो आर का हो गया एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु पी है तो पी का हो गया एक्स टू वाई टू होगा ना, तो आर का एक्स वन वाई वन एक्स वन माइनस एक वाई वन दो पी पर आओ एक्स टू वाई टू माइनस एक माइनस दो, समझे। अब वैल्यू बैठाएंगे एक्स वन माइनस एक फिर माइनस एक्स टू माइनस वन, दो तीन जब ये आवे तो कोष्ट देंगे, ये एक्स वन माइनस एक्स टू ये कोष्ट के भीतर वाली बात लिखे, पूरे को कोष्ट में घेरो इसको इसको, तब होल स्क्वायर
मतलब समझ लो पहले, बाद में लिखना, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस y1 दो, माइनस y2 का मान माइनस दो। देखो दो चिन्ह आ गया एक साथ, तो पोस्ट देंगे। अब ये पोस्ट के भीतर की बात लिखे हैं, इसीलिए यहाँ बड़ी पोस्ट या मध्यम पोस्ट दो, इसका होल स्क्वायर लिखने का तरीका, समझे? इसको हल करेंगे तो -1 -1 पोस्ट के भीतर की बात, इसलिए पोस्ट दो स्क्वायर प्लस पोस्ट दो -2 का होल स्क्वायर होगा इतना। अब RT बराबर रूट -1 + 1 कट गया, शून्य हो गया, शून्य का होल स्क्वायर शून्य होगा, समझे? दो चार प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया शून्य, इसमें जुटेगा कोई बात नहीं। 4 × 4 = 16 इसीलिए RP = 4 निकला। इसको उतारो, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। हम लोगों को चतुर्भुज PQSR में कुछ विशेष बात नजर आती है। आमने सामने की भुजा बराबर है 2√2 2√2, ये 4 तो ये 4, तो चित्र वास्तव में कैसा होना चाहिए? आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये देखो लंबाई ज्यादा है ना, बोले थे ना चित्र नहीं बनाओ, चित्र अब बनाना है। जैसे जब बराबर हो गया तो इसका अर्थ ऐसे होगा, एस यहाँ होगा, समझा? कारण होगा ना। अब देखो आमने सामने की भुजा बराबर, ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है, रुक जाओ, 2√2 आया। होगा इसे चित्र, क्यों होगा इसे कारण समझाना। इसमें कैलकुलेशन के बाद हम लोगों को आमने सामने की भुजा बराबर यहाँ पर हो गया, इसीलिए चित्र इस ढंग का बनेगा, है ना? इसी बात तो तू लोग ये बतलाओ, किस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है? थोड़ा ब्रेन लगाना है, धरपरा कर आंसर नहीं दो। किस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? देखो शंका रहित बात बोलो, शंका सहित नहीं। वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी होती है, तो वैसे तू सोचो ना, अगर आयत होगा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री का होगा ही, ऐसे भी तो ये चित्र हो सकता है। हो सकता है आमने सामने की भुजा बराबर हो गया, ऐसे भी हो सकता है, इसमें लग रहा है ये हर हाल में 90 डिग्री है,
लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा है। ये समानांतर चतुर्भुज होगा। पॉइंट टू सर्किल में तुम लोग को पढ़ाए हैं, याद नहीं है अलग बात है। अनुमान से तो समानांतर चतुर्भुज बोल दिया, लेकिन कैसे होगा समानांतर चतुर्भुज? आंसर लिखो, हम कारण में बतलाते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग यह नहीं होगा। वर्ग होगा तो सब भुजा बराबर होगा, तो इसमें सब भुजा बराबर नहीं है, आमने सामने की बराबर है। अगर आयत होता तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, तब पत्ते को 90 डिग्री होता है। यहाँ कोण तुम निकाल ही नहीं सकते हो, तब सवाल उठता है तीसरा क्या? तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कोण की कोई चर्चा नहीं। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो जाए, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होगा, दूसरा कोई चतुर्भुज नहीं। ये हम आंसर में लिखते हैं। और ये समानांतर चतुर्भुज क्यों होगा यह अलग से बतला देंगे, ठीक है? तो आंसर में लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज पी क्यू एस आर में कारण भी हो गया, आमने सामने या कारण में दे देना है। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस एक ही लाइन। हम चित्र तो समानांतर चतुर्भुज में जो है ना, आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजा खाली सामने आमने सामने की भुजा बराबर होना जरूरी है। हाँ, या ऐसे जो इससे इधर जो बतलाए थे ये, तो कारण में दे देना है। लास्ट में उतारो और सुनो, ये टॉपिक तू लोग समझा। अगले पार्ट में तुम लोग को हम बतलाएंगे यह क्यों होगा समानांतर चतुर्भुज। इस पर तर्क में एक अलग से साबित करें कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होता है। ये अगले पार्ट में बतला देंगे, नहीं तो इसमें शंका बना रहेगा। वैसे ये पॉइंट टू सर्किल में बतलाया हुआ है, फिर भी शंका बना रहेगा। तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया तो वर्ग क्यों नहीं होगा, आयत क्यों नहीं होगा, आखिर समानांतर चतुर्भुज ही क्यों होगा जबकि आयत और वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज होता है। हो सकता है ये आयत हो जाए या वर्ग तो नहीं होगा, चारों भुजा में समान नहीं है, लेकिन आयत हो सकता है। अगले पार्ट में इसका विस्तार से हम वर्णन कर देंगे।